तो हेलो व्यूअर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआर फिल्मी मीडिया। तो वरुण धवन और कृति सनन की मूवी भेड़िया जो रिलीज हो चुकी है, और इस मूवी को मैंने देखा और देखने के बाद मेरा क्या रहा ओवरऑल ओपिनियन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यार, इस मूवी को देखने के बाद मेरा क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो बात करें इस मूवी के बारे में, देखिए यार, इस मूवी का सबसे प्लस और सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है, इस मूवी का VFX एंड विजुअल, जिस तरह का हमें इस मूवी के अंदर VFX और विजुअल देखने को मिल रहा है, सीनो ग्राफी यहां तक कि कलर ग्रेडिंग तक, हर एक पार्ट एक अप टू द मार्क है, बहुत ही बेहतरीन देखने को हमको मिल रहा है। आज तक हमने इंडियन सिनेमा में इस तरह का VFX नहीं देखा था, यानी कि जो VFX वाला पार्ट है, एक सिनेमैटिक वाला पार्ट है, वो कहीं ना कहीं इस मूवी के लिए बहुत ही मायने रखता है। इसके अलावा इस मूवी की प्लस पॉइंट है, मुझे जो जहां तक लगी इस मूवी की प्लस पॉइंट, काफी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है, किस तरह से एक भेड़िया को यानी कि एक जानवर को इंसान से रिलेटेड दिखाया गया है, इंसान और भेड़िया के बीच में जो कंपैरिजन देखने को मिलती है, तो ये मूवी जानवर के अंदर के छुपी हुई बात को, छुपी हुई भावना को किस तरह से प्रेजेंट करती है लोगों के सामने, ये चीज देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इसके अलावा मूवी के अंदर जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, यानी कि मानव से जब भेड़िया का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो चीज देखने में काफी मजा आता है, उस चीज को काफी बारीकी से इस मूवी के अंदर दिखाया गया और काफी अच्छी तरह से सीन को शूट किया गया है। और इसके अलावा इस मूवी के अंदर सुनने वाला BGM, देखिए BGM कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि देखिए हॉरर कॉमेडी टाइप्स वाली मूवीज में इस तरह के BGM का होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा BGM रहेगा तो जो थिएटर में माहौल बनता है, एक कभी डर का कभी कॉमेडी का, उस माहौल को बनाए रखने में जो BGM है बहुत काफी हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं मूवी के मेकर्स की तरफ से विजुअल, सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, BGM एंड स्टोरी, सब कुछ में इन लोगों ने एकदम परफेक्ट काम किया है और एक प्लस पॉइंट लिया है। और भी थोड़ी सी स्टोरी के बारे में जाने, तो देखिए स्टोरी तो हमें ट्रेलर के अंदर ही मालूम पड़ जाती है, जो वरुण धवन मेन कैरेक्टर है उसको एक भेड़िया काट लेता है, और भेड़िया काटने के बाद उसके अंदर भेड़िया की आत्मा वगैरह जैसे आ जाती है, यानी कि वो खुद भेड़िया बन जाता है। तो भेड़िया बनकर लोगों को मार रहा है कि कोई और भेड़िया बनकर मार रहा है, ये सब मूवी के अंदर हमें देखने को मिलता है। और क्या एक्चुअल में वरुण धवन उस भेड़िया के रूप से बाहर आ पाएंगे, क्या उसका जो एंटीडोस है यानी कि उसका जो तोड़ है, क्या इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा या क्या बन पाएगा, आखिर क्या कारण है कि वरुण धवन को ही उस भेड़िया ने काटा और वरुण धवन ही भेड़िया में ट्रांसफॉर्मेशन हुए। तो बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवालों के जवाब इस मूवी को देखने के बाद मिलेंगे आपको। मैं थोड़ी भी बात को लीकेज नहीं कर सकता क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। इसके अलावा मूवी के थोड़े से बारे में बात करें कैरेक्टर परफॉर्मेंस के बारे में, तो देखिए यार मूवी के अंदर ज्यादा कॉमेडी देखने को तो नहीं मिलती है, बट जितना भी कॉमेडी है वो हमें हंसाने में कामयाब रहती है। कहीं कहीं पे जो कॉमेडी सीक्वेंस है वो काफी बेहतरीन है, और कहीं कहीं पे आपको इलॉजिकल लग सकते हैं। इसके अलावा दीपक चौबे का जो काम है इसके अंदर काफी ज्यादा बेहतरीन है, यानी कि दीपक चौबे जो कॉमेडी वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से अपने ऊपर लेके चलते हैं। इसके अलावा वरुण धवन के बारे में बात करें, मेन कैरेक्टर, देखिए वरुण धवन ने अपनी लाइफ टाइम में इस मूवी के अंदर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। सभी को पता है कि वरुण धवन की जो एक्टिंग स्किल्स है काफी कमजोर है, बट इसके बावजूद भी वरुण धवन हमें निराश नहीं कर रहे। ये बात तो यार सच है, कहना ही पड़ेगा कि वरुण धवन ने इस मूवी के लिए काफी मेहनत की है और काफी अच्छा वर्क देखने को मिलता है। कहीं पे भी आपको जो ओवर स्मार्ट वाली, ओवर एक्टिंग वाली फीलिंग नहीं आती है, यानी कि एकदम ठीक ठाक डिसेंट सा काम किया है, यानी उनको भी लेके इस मूवी के लिए कोई इशू नहीं बोल सकते। वहीं कृति सैनन को देखकर भी कोई इशू नहीं है, उनकी भी एक्टिंग फर्स्ट क्लास है, उनका रोल भी काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है मूवी के अंदर। आप ये मूवी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस वीडियो में कुछ भी बोलूंगा किसी भी कैरेक्टर के रोल के लिए तो कुछ स्पॉइलर हो सकता है। इसके अलावा मैं और भी कुछ चीजें कहना चाहता हूं, जैसे मूवी के अंदर जो स्टेट दिखाया गया है हिमाचल प्रदेश, उस स्टेट को लेकर भी काफी दिलचस्प चीजें हमें देखने को मिलती है, कैसे हम लोग वहां के लोगों का आदर नहीं करते हैं, और बहुत सारी चीजें जो इस मूवी के अंदर इस स्टेट्स को लेकर जोड़ी गई है, और वहां के कल्चर को भी काफी बारीकी से दिखाने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर यानी फनी मोमेंट्स में इसके अंदर बहुत सारे सोशल मैसेज सुनने को मिलते हैं, यानी कि ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में बात करें तो ओवरऑल मूवी देखने के बाद मेरा एक ही ओपिनियन रहा, हां बहुत ही बेहतरीन रहा, और ऐसा शायद हमने बहुत दिनों के बाद देखा है, और बहुत मजा आया मूवी देखने के बाद, यानी फुल ही इंटरटेनमेंट है, फुल एंजॉयमेंट है। इसके अलावा मूवी के अंदर आप छोड़ के जाना मत एंड सीन आने तक,
एंड खत्म होने के बाद भी 5-10 मिनट तक बैठे क्योंकि आपके लिए कोई आ रहा है उस मूवी के अंदर यार। एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, आप उसे देखे बिना बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि वो पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस मैं था यही ओवरऑल ओपिनियन। अगर आपने भेड़िया देख रखी है तो आपको कैसा लगा कमेंट करें, और नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपके लिए नए वीडियोस बना सकूंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइब करते हैं आप वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपका एक रुपया भी नहीं लगता है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।